कोटा ग्रामीण क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर कोटा ग्रामीण पुलिस की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत सांगवत पुलिस ने भी अवैध तौर पर गांजा बेचते व इसमें पीने के मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक काव्येंद्र सिंह सागर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परस जैन के सुपरविजन में दो दिनों तक जिले भर में पुलिस टीमों द्वारा अवैध गांजा एवं स्मैक पर कार्रवाई की गई। अभियान के तहत सांगवत थानाधिकारी राजेश सोनी के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए अड़ूसा गांव में 1.54 किलोग्राम गांजे समेत पुलिस ने आरोपित कृष्ण मुरारी धाकड़ निवासी अड़ूसा को गिरफ्तार किया। टीम ने सांगवत में भी कार्रवाई करते हुए जौलपा रोड निवासी गोविंद खंगार को इसमें एक पीते गिरफ्तार किया है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।